गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ लिया था हमने। कल हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इसकी वर्किंग पढ़ ली थी, इसका डायग्राम पढ़ लिया था, फिर हमने साल्ट ब्रिज, ठीक है, और साल्ट ब्रिज के फंक्शन पढ़ लिए थे। तो देखो बेटा, हमारी कुछ इस प्रकार से क्या थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे दो बीकर्स के अंदर, ठीक है। डिफरेंट सॉल्यूशन था ये, 1 मोल जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था, 1 मोल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ये, एंड कैथोड जहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड था, ये एंड एनोड था जहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड था। दोनों को एमीटर से कनेक्ट कर रखा था, इधर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था, ठीक है। इन्वर्टेड यू शेप का एक साल्ट ब्रिज लगा रखा था हमने, ठीक है, जिसके अंदर KNO3, KCl, NH4NO3 इन सभी का अगर अगर जेली लाइक का पेस्ट था। बेटा ये हमने कल पढ़ लिया था। तो यहाँ से देखो हमारा क्या बताता है वो हमें, कि जो इनर सर्किट होता है, ठीक है, इनर सर्किट, ठीक है, इनर सर्किट होता है जो अंदर वाला सर्किट होता है, इसमें तो फ्लो होता है आपका करंट्स, ठीक है। इनर सर्किट में किसका फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, क्योंकि इनर सर्किट के अंदर आयंस का फ्लो होता है। और जो आउटर सर्किट होता है, आउटर सर्किट, और उसमें किसका फ्लो होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ये आउटर जो सर्किट था इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता था, इनर सर्किट के अंदर आयंस का फ्लो होता था, ठीक है, जिसके अंदर करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, ये कहता है कि भाई रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा, फिर डबल स्लैश, और फिर लिखना पड़ेगा रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, और ये जब डबल स्लैश का साइन है ना, ये है आपका क्या, साल्ट ब्रिज। देखो कैसे ऑक्सीडेशन किसका हुआ था भाई, ऑक्सीडेशन हुआ था जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ी, तो ऑक्सीडेशन हुआ था जिंक का, रिडक्शन हुआ था कॉपर का। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ZN से ZN2 पॉजिटिव बन गया, डबल स्लैश, साल्ट ब्रिज का साइन, रिडक्शन हुआ कॉपर का, तो कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये वैल्यू ऑक्सीडेशन वैल्यू रही, ये वैल्यू रिडक्शन वैल्यू रही, और बीच में जो डबल स्लैश है ये आपका क्या कहलाएगा, साल्ट ब्रिज कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, साल्ट ब्रिज। क्लियर हो गई बात। देखो नेक्स्ट जो आता है वो इसका आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है क्या करने की, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने की टेंडेंसी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या करने की, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की, क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगी। क्लियर हुई ये बात। देखो नेक्स्ट, देखो कहता है क्या कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये 2 टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। नंबर एक होता है रिडक्शन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा जो होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो होते हैं, एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, एक आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
इसमें क्या कहता है कि ये किसी भी इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रोड की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की जो टेंडेंसी होती है वो कहलाती है आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाती है। तो देखो आपको यहाँ होगा भाई जेड एन से क्या बना, जेड एन टू पॉजिटिव बना, कॉपर से क्या बना, कॉपर टू पॉजिटिव बना, एजी से क्या बना, एजी पॉजिटिव बना, इनोट हाफ एच टू से क्या बना, एच पॉजिटिव बना। तो ये क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो भाई इनकी कुछ वैल्यू होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है इसकी 0.76 वोल्ट, इसकी होती है 0.34 वोल्ट माइनस की, इसकी होती है -0.80 वोल्ट, इसकी होती है 0। ये वैल्यू क्या होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है, ठीक है। ये वैल्यू किस में पता चलेंगी भाई हमें, ये वैल्यूज इन इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है उसके बारे में पता चलती है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है वो हमें इन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल्स के बारे में बताती है कि भाई इस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी। तो ये हम उसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इसी तरीके से दूसरी जो होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन तो मैंने अभी पढ़ लिया, सॉरी दूसरी जो होगी वो होगी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव से जेड एन बन जाएगा, ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर बन जाएगा, ई नॉट एजी पॉजिटिव से एजी बन जाएगा, और ई नॉट एच पॉजिटिव से हाफ एच टू बन जाएगा। भाई वहां पे उसकी वैल्यू कितनी थी, प्लस का 0.76, यहाँ पे हो जाएगी माइनस 0.76। कॉपर वाले की वैल्यू वहां पे कितनी थी, -0.34, यहाँ पे हो जाएगी +0.34। वहां पे एजी की वैल्यू कितनी थी, -0.8 वैल्यू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वैल्यू हो जाएगी 0.8 पॉजिटिव, इसकी 0 तो इसकी 0 वोल्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारी बात यही हुई कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है वो बराबर होगी रिडक्शन पोटेंशियल के, लेकिन विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, ये बात याद रखना। अगर किसी की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस की है तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू प्लस की होगी, किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू प्लस की है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस की होगी, उल्टा होगा मतलब उससे। क्लियर हो गया, ये आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। तो इन सभी के बारे में, इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैसे आई, इन सभी के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है बेटा। इसको आज के लिए सिर्फ इतना ही करना है आपको, ठीक है, कल हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।